हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिस दैट दिच और दोज के यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, जूनियर बच्चों के लिए खास करके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलें शुरू करते हैं। यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस दैट दिस एंड दोज। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि दिस दैट दिस और दोज के बारे में ये क्या हैं, इनके यूज कैसे होते हैं, इनके साथ कौन से वर्ब आते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दिस दैट दिस और दोज ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेत वाचक सर्वनाम। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेत वाचक विशेषण। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि कब दिस प्रोनाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा, उसी तरह कब दैट प्रोनाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा, ठीक उसी तरह कब दिस प्रोनाउन होगा, कब एडजेक्टिव होगा, कब दोज प्रोनाउन होगा और कब एडजेक्टिव होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिस का यूज जानेंगे। दिस को बिना नाउन का अगर यूज किया जाए, यानी दिस के बाद अगर कोई नाउन नहीं आए तो ये दिस डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इस दिस का प्रयोग पुरुष के लिए नहीं होता है, व्यक्ति के लिए नहीं होता है। उसी तरह दैट के बाद अगर कोई नाउन आए तो दैट डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जब दैट का यूज अकेले हो, बिना नाउन का हो, तो ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। दिस का प्लूरल दिज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। ठीक है, दिस का प्लूरल दिज होता है, दिस सिंगुलर है। दिस का प्लूरल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस, तो आप कहेंगे कि दिज। उसी तरह आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट, तो आप कहेंगे दोज। दिस की हिंदी होती है यह, दिज की हिंदी होती है ये सब, दैट की हिंदी होती है वह, दिज की दोज की हिंदी होती है वे सब। दिस यह, दैट वह, दिज ये सब, दोज वे सब, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि दिस सिंगुलर है, दिस का प्लूरल दिज होता है, दैट सिंगुलर है, दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, दिस के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे इज हुआ, वाज हुआ। दैट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, दिस के साथ जब प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा, आर आएगा,
दोष के साथ भी आ रहेगा। अब एक चीज़ और समझना है कि जब कोई ये पॉइंट आउट करता है, दिस हो या दिज हो, दैट हो या दोज हो, पॉइंट्स आउट्स टू दोज थिंग्स दैट इज फार और नियर। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये निर्देश उन वस्तुओं की तरफ निर्देशित करता है जो दूर हो या नज़दीक हो, जो दूर हो या नज़दीक हो। दिश से हमेशा निकटता का बोध होता है, नज़दीक वाली वस्तु के लिए दिश का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जब दिश का प्लूरल दिज होता है तो ये भी नज़दीक वाली वस्तु के लिए ही यूज होता है। दैट दूर वाली वस्तु के लिए आता है। दैट का प्लूरल जब दोज होता है तो दोज भी दैट की तरह दूर वाली वस्तु के लिए ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ फ्लावर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिस इज अ फ्लावर। लेकिन यही फ्लावर अगर दूर हो जाता है तो आप देखें दैट इज अ फ्लावर, ये फ्लावर यहां अगर हम बना देते हैं, ये पिक्चर के माध्यम से समझने में आसानी होगी। आप देखिए इस फ्लावर को, ये नियर को इंडिकेट करता है इसलिए इसके साथ दिस का यूज किए हैं। ये फ्लावर फार, फार यानी दूर को इंडिकेट करता है इसलिए दैट का यूज किया गया है। दिस निकट की वस्तु के लिए, दिस निकट की वस्तु के लिए, दैट दूर की वस्तु के लिए। उसी तरह अब यहाँ देखना होगा कि दिस के साथ इज का प्रयोग किए हैं। अगर आपसे ऑप्शन में फिलअप करने के लिए वर्ब को दिया जाए और यहाँ पर दे दिया जाए इज और आर, तो आप इसमें से इज का यूज करेंगे। यहाँ भी दे दिया जाए इज और आर, तो यहाँ आप इज का यूज करेंगे। आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो दिस सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वो सिंगुलर कहलाता है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वो प्लूरल कहलाता है। आर प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है। कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी है कि दिस के साथ आर का यूज कर दें और दैट के साथ आर का यूज कर दें। अगर ऐसा करते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। अब चलते हैं दिज और दोज की तरफ। दिज जो है ये दिस का प्लूरल फर्म है। दिस का प्लूरल फर्म जो है दिज है, जिसकी हिंदी होती है ये और ये सब। दिज के साथ हम आर का यूज करेंगे, आर दिज आर, इज का नहीं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। अब इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा। अब कहेंगे कि दीज आर फ्लावर्स, फ्लावर नहीं होगा। देखिए इसमें एस नहीं है, ये सिंगुलर है, आर्टिकल आया है। इसमें एस नहीं है, ये सिंगुलर है, आर्टिकल आया है। आर्टिकल हट गया, प्लूरल हो गया। अब देखिए आप देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात, दीज दीज जो है प्लूरल है, दीज जो है प्लूरल है, आर भी प्लूरल है और इसके बाद आने वाले नाउन भी प्लूरल है।
इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ नाउन फिलअप करने के लिए ये दे दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए फ्लावर, अब लिख देकर फ्लावर्स, तो यहाँ ध्यान देना होगा कि फ्लावर और फ्लावर्स में आपको कौन क्या फिलअप करना है, तो फ्लावर्स। अब यहाँ देखें दिस के लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल फ्लावर बनाएंगे, एक से अधिक फ्लावर बनाएंगे। अब ये निकटता का बोध करा रहा है, ये निकट में रहेगा कोई भी वस्तु जब नज़दीक में रहेगा तो दीज का यूज करेंगे, दोज का नहीं। अब यही चीज अगर दूर को इंडिकेट करता है, दूर की वस्तु को इंडिकेट करता है, तो हम दोज का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे दोज, दोज भी दैट का प्लूरल है। मैं पहले भी बता चुका हूं दोज क्या है, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट। अब आपसे कोई पूछे कि दैट का प्लूरल क्या होता है, तो एस नहीं लगाना है, क्योंकि नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, दिस दैट दिस दोज में नहीं। अब दोज के साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। दोज के बाद फ्लावर्स लिखेंगे, फ्लावर नहीं लिखेंगे, फ्लावर्स। लेकिन अब क्या करेंगे, फ्लावर का इंडिकेशन अगर करेंगे तो ये दूर करेंगे, यहां पर देखें हम यहां क्या कर रहे हैं। अब देखिए दीज के लिए जो फ्लावर है नज़दीक में है, दोज के लिए जो फ्लावर है वो दूर है, यानी दोज हमेशा दूर की वस्तुओं के लिए है, दीज हमेशा नज़दीक की वस्तुओं के लिए। ठीक उसी तरह दीस नज़दीक की वस्तुओं के लिए और दैट दूर की वस्तुओं के लिए। इन चीज़ों पर खास करके ध्यान देना होगा। अब हम आगे चलते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर कैसे देंगे। व्हाट इज, अब यहां ध्यान देना होगा, दिस होगा, दैट होगा, या दीज होगा, या दोज होगा। इज को देखने से लगता है कि इन चारों में से कि तो दिस होगा नहीं तो दैट होगा, दिस और दोज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ इज आया है, इज कभी भी दिस और दोज के साथ यूज नहीं किया जाता है। अब लिखें व्हाट इज दिस, दिस लगने से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये नज़दीक की वस्तुओं को इंडिकेट कर रहा है, यानी कोई भी वस्तु नज़दीक में है। व्हाट इज दिस, हम कहेंगे व्हाट इज दिस, आंसर होगा दिस इज अ पॉट। क्वेश्चन जब है तो आंसर होगा दिस इज अ पॉट। क्वेश्चन आंसर बनाते समय इनका यूज किया जाता है, बच्चों को स्पोकन इंग्लिश तैयार करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज दैट, दैट लगने से पता चल जाता है कि दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करता है। दैट लग जाने से यह बोध होने लगता है कि यह दूर की वस्तुओं को इंडिकेट करता है। अब पॉट यहाँ हम अगर बना दें तो ये दूर पॉट कहाँ, ये पॉट नज़दीक में है,
ये पोर्ट क्या है, दूर में है। तो नज़दीक की वस्तुओं के लिए हमेशा दिस का यूज करेंगे, दूर की वस्तुओं के लिए हमेशा दैट का यूज करेंगे। जब अब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे दैट इज अ पॉट। क्वेश्चन में अगर दैट है तो आंसर दैट से ही शुरू होगा, क्वेश्चन में अगर दिस है तो आंसर दिस से ही शुरू होगा। इन चीज़ों पर विशेष करके ध्यान देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक पर उतार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, व्हाट आर। जब आर ला दिए व्हाट के बाद तो निश्चित है कि दैट दीज और दोज में से कोई एक आएगा। तो पहले दीज को यूज करके क्वेश्चन क्रिएट करके और आंसर लिखेंगे। व्हाट आर दीज, आप देख रहे हैं व्हाट आर दीज, ये क्वेश्चन है। आपको आंसर देना होगा कि दीज आर, और जो उसके बाद नाउन को रखेंगे वो नाउन प्लूरल नाउन होगा। मान लीजिए कि यहाँ अगर ये बुक्स है, ये प्लूरल बुक्स होना चाहिए, अब आपसे कोई पूछे व्हाट आर दीज, ये नज़दीक की वस्तुओं को इंडिकेट कर रहा है। ये बुक जो है हमारे नज़दीक में है, नज़दीक में है, इसलिए यहाँ दीज का यूज किया गया है। और बुक एक नहीं है, मोर देन वन है, यानी एक से अधिक है। तो आंसर होगा दीज आर बुक्स। अगर यहाँ एस नहीं जोड़ते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दीज प्लूरल है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया, प्लूरल नाउन का यूज किया गया। ठीक इसी तरह अगर कोई वस्तु दूर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करेंगे व्हाट आर दोज। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं, या ये सब क्या हैं, वे क्या हैं, या वे सब क्या हैं। अगर यहाँ हम बना देते हैं व्हाट आर दोज, ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको वो दूर को इंडिकेट कर रही है, इसलिए दोज का यूज किया गया। आंसर होगा कि दोज आर गर्ल्स। दोज आर गर्ल्स। इस तरह से हम दिस दैट दीज दोज से क्वेश्चन बनाएंगे और उसका आंसर देंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कब दीज प्रोनाउन होता है और कब एडजेक्टिव होता है, इसी तरह इन चारों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दीज इज
पेंसिल। दिस के बाद कोई नाउन नहीं दिख रहा है आपको, दिस के बाद कोई नाउन है नहीं है, तो यहाँ दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये जो दिस है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह दैट इज अ पेन, यहाँ दैट के बाद भी कोई नाउन नहीं है, आप देख रहे हैं, तो ये दैट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दिस आर, अब यहाँ पेंसिल्स हो जाएगा, पेंसिल्स यहाँ देख रहे हैं, दिस यहाँ दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक उसी तरह दोज, दोज आर पेंसिल्स, दिस दैट दिस और दोज के बाद आप देख रहे हैं कोई नाउन नहीं है, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जब इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। आप यहाँ देखिए, ये मार करने वाली चीज़ है, दिस के बाद यहाँ नाउन आया है, अब यहाँ दिस प्रोनाउन नहीं है, यहाँ दिस जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव जो है नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब उसी तरह हम दैट की तरफ चलेंगे, दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है। यहाँ देखिए दैट के बाद बुक आया है, बुक भी सिंगुलर है, पेन भी सिंगुलर है, क्योंकि दिस सिंगुलर है, कभी भी यहाँ पेंस नहीं कर सकते हैं, अगर पेंस कर देते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। कभी भी यहाँ बुक्स नहीं कर सकते हैं, अगर बुक्स कर दे रहे हैं तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का ही नाउन का ही यूज करेंगे, प्लूरल जब होगा तो प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। जैसे दिच, दिच, अब यहाँ जो पेंस है आप देख रहे हैं, यहाँ जो पेंस देख रहे हैं, ये पेन, सॉरी पेन देख रहे हैं, ये पेंस हो जाएगा, दिस पेंस। अब यहाँ इज, यहाँ जो इज देख रहे हैं, इज नहीं होगा, आर का यूज करेंगे, दिस पेंस आर माइन, दिस पेंस आर माइन, ये कलमें मेरी हैं, ये कलमें मेरी हैं। ठीक उसी तरह दोज, दोज के लिए दोज, अब जो यहाँ बुक्स है, बुक है सॉरी, जो यहाँ आप बुक देख रहे हैं, यहाँ बुक्स हो जाएगा, दोज बुक्स आर माइन, वे किताबें मेरी हैं। दिस दैट दिस और दोज का यूज हम जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से हमेशा करना है। अगर इस यूज को बारीकी से आप यूज करना सीख जाएंगे तो छोटे बच्चे जो हैं उनको अंग्रेज़ी सिखाने में या छोटे बच्चों को अंग्रेज़ी सीखने में, लिखने में, बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी।
थैंक यू मोर इन नेक्स्ट वीडियो।